चाहे देश के छात्र नौजवान हों, बेरोजगारी की समस्या हो, किसानों का जो ज्वलंत सवाल है, और ग्रामीण इलाकों में जहां तक राशन और किरासन का सवाल है, सारा सवाल से जनता एकदम जूझ रही है। मोदी का जितना भी तुगलकी फरमान हुआ, वो कहने का मतलब है कि जनता को नुकसान ही नुकसान दिया। जैसे आप देख लीजिए, इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी का काम किया, लेकिन नोटबंदी से आप ही लोग बताइए, सबसे बड़ा व्यापक असर हमारे गांव के गरीब गुरबों पर पड़ा। हमारे गांव के गरीब गुरबे जो बाहर कमाने गए थे, इन्होंने अचानक काला धन लाने के नाम पर नोटबंदी का काम किया, लेकिन नोटबंदी के इनके तुलकी फरमान से, और कहने का मतलब है कि पूरा कल कारखाना बंद हो गया। हमारे बाल बच्चे जो वहाँ कमाने गए थे बेरोजगार हो गए, उनको भाड़ा दे करके लौटना पड़ा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि आज ये लॉकडाउन का ये मतलब फरमान जारी किया है, जिस समय कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, ये मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अहमदाबाद में ये जश्न मना रहे थे, और उस समय पत्रकार जब इनसे पूछ रहा था कि आप कोरोना पर कुछ कहिए, तो ये कोरोना को मजाक उड़ा रहे थे। साथियों, आप लोग को यह आश्वस्त होना चाहिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लाने में यह जो देश का नरेंद्र मोदी है, ये मतलब अव्वल साबित हुआ है। आप इन्होंने जो लॉकबंदी जो लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन से पूरा पूरी मार गरीबों पर पड़ा है। लॉकडाउन कहने का मतलब ये है कि ये वैश्विक बीमारी अमेरिका में सबसे पहले फैला था, तो सबसे पहले इनको हवाई जहाज़ को बंद करना चाहिए था। यानी कहने का मतलब है कि विदेश से जो आदमी आ रहे थे, उनको इसको रोकना चाहिए था, लेकिन उनको रोकने के बजाय ये अचानक ग्रामीण स्तर से लेकर के शहरी स्तर, छोटे छोटे जगहों पर इन्होंने लॉकडाउन कर करके आर्थिक नाकेबंदी किया है, और इसका आप उदाहरण देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, लॉकडाउन से ऊब करके मतलब वहाँ पर उनका रोजी रोजगार बंद हो गया। हमारे गरीब के बाल बच्चे, पहले यहाँ की जो सरकार जो केंद्र में उनका समर्थन के साथ चल रही है, हमने हमारी पार्टी यह मांग कर रहा था कि पहले यहाँ के तमाम गरीब गुरबे जो हैं, उनके बाल बच्चों को आप सुरक्षित घर वापस लाइए, और वापस लाने के बाद आप लॉकडाउन का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने अड़ियल रवैया के चलते, सबसे पहले इन्होंने जो बाहर से बीमारी लेकर के आने वाला था विदेशों से, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उनके साथ ही हाथ मिलाए, और उसके बाद जब वहाँ कल कारखाना बंद हो गया, बीमारी वैश्विक महामारी जब बढ़ती गई, तब इन्होंने गरीबों को लाने के बजाय बिहार की सरकार ने कहा कि उनको वहीं पर रोका जाए। मतलब इनको वहाँ पर गरीब के बाल बच्चों के लिए कोई जगह नहीं था। विदेशी लोग आ रहे थे, उनको लाने की इनको चिंता थी, लेकिन हमारे गरीब गुरुओं को, बाल बच्चों को यहाँ पर सुरक्षित घर वापस लाने का कोई स्थान नहीं मिल रहा था। अंततः हुआ क्या, हमारे गरीब गुरुवे के बाल बच्चे जो बाहर कमाने गए थे, वो मतलब लाचार हो करके, कोई मतलब ट्रेन से, तो कोई है जो मतलब बस से, कोई ट्रक से लटक लटक करके, वो लाचार होकर के कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, और वो घर आना शुरू कर दिए। और रास्ते में हार थक करके कोई हमारे जो गरीब गुरबे के बाल बच्चे थे, वो रेलवे लाइन पर सूत गए। मतलब नरसंहार की तरह घटनाएं घटी गरीबों के बाल बच्चों पर। और जब प्रश्नकाल चल रहा था, हमारी पार्टी ने सदन में यह पेश किया, सड़कों पर यह पेश किया कि लॉकडाउन के अंतर्गत जो हमारे गरीब गुरबे के बाल बच्चे मारे गए हैं, उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। यह सरकार ने बेशर्मी से कहा कि भाई गरीब गुरबा जो लॉकडाउन में मरा है, उनका हमारे पास कोई डाटा नहीं है। साथियों, आप सोच सकते हैं कि भाई गरीब गुरबा के बाल बच्चा जब मरा, तो इनके पास कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा इनके नहीं रहने के वजह से ये नकार रहे कि उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी आप लोगों को कहने का मतलब है कि हमारे जो खास करके ग्रामीण गरीब मजदूर हैं, इनको ये कीड़ा मकोड़ा के बराबर तुलना किए। और हमारे जो हजारों हजार बच्चे
हमारे जो हजारे हजार साथी मारे गए उससे इन्होंने मजाक उड़ाया। आज वक्त आ गया है, चुनाव आ गया है, दो तरह की पार्टियां है, दक्षिण पंथ वाम पंथ। एक है दक्षिण पंथ जिसके साथ आपका नीतीश कुमार, कहने का मतलब है कि जीतन राम मांझी उसके साथ चले गए हैं, वो महादलित की बात करते थकते नहीं हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की पार्टियां हैं। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक ये सांप्रदायिक ताकतें, जब तक ये फांसीवादी ताकतें को हम लोग समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसके संदर्भ में अभी तक तो मतलब इधर से भी कोई तालमेल नहीं हुआ है। हम लोग यह चाह रहे हैं कि ये मतलब भाजपा की सरकार को, आरएसएस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग भी मतलब एक पहल कर रहे हैं कि जो भी हम लोग को कदम उठाना पड़े हम लोग भी मतलब दूसरे दल के इस लिहाजा से साथ हैं। आज आप देख रहे हैं कि देश में किसानों के लिए यह किसान विरोधी नीति लाया गया है। वह नीति क्या है इसको आप लोग को बारीकी से समझना होगा। वह नीति यह है कि छोटे मंझोले जो यहाँ पर मंडियाँ हैं, छोटे मंझोले जो यहाँ पर दुकानें हैं जहाँ पर आप गल्ला बेचते हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि सामान एक ही न है, एक राष्ट्र एक सामान एक दाम। कहने का मतलब है कि आप अपने सामान को हैदराबाद अहमदाबाद मतलब महाराष्ट्र कहीं भी बेच सकते हैं। तो ज़रा आप सोचिए, जो गरीब गुरबे हमारे 20-25 मन चावल का उत्पादन करते हैं, 10 मन खाते हैं और 15 मन वो मार्केट में डालते हैं, क्या आप वहाँ बेचने जा सकते हैं? ज़रा बोलिए, क्या आप लोग बेचने जा सकते हैं? तो इससे ज़्यादा लाभ किसको होगा? व्यापारी वर्ग को होगा। कहने का मतलब है कि किसान के हित को मतलब ऐसे इस तरह का कानून लाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े सेक्टर में जो है पूंजीवाद, ये जो कॉरपोरेट घरानों का यहाँ पर खेती करने का जगह मिले, अब तब वो क्या करेगा? उसके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है, वो हजारों करोड़ों हेक्टेयर में मतलब ये क्या कहते हैं जो मतलब जड़ी से दवा हुआ बनाता है, फूल की खेती करेगा। कहने का मतलब है कि औषधीय खेती करेगा। और यहाँ पर आने वाला दिनों में एक मतलब भूखमरी का बहुत बड़ा तांडव आने वाला है। और जो कुछ भी राशन रहेगा उनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है, स्टॉक करेगा 5 साल 10 साल। आप भूख से तड़पिएगा। आज चावल आप लोग को किसानों के द्वारा उत्पादित 30 रुपये मिल रहा है, आने वाला दिनों में वो 100 रुपये किलो मिलेगा। तो आप लोगों को विचार करना होगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सेक्टर बेरोजगारी का अंबार लगा हुआ है। सबसे बड़ा सेक्टर जो था रोजगार देने का रेलवे, उसको सरकार आज बेच रही है, रेलवे का निजीकरण कर रही है, नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। और इन सारे सवालों को लेकर के 25 सितंबर 2020 को ये मतलब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से 250 किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम आप लोग से अपील करने आए हैं, यह लड़ाई आपकी है, यह आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए है। आप लोग 25 तारीख को इस बलवा पर पखनपुर गांव से एक एक जनता वहां पर हिंसा में मतलब बिहार बंद के कॉल पर चले और पूरी तरह चक्का जाम कर दें। यही निवेदन के साथ मैं आप लोगों को अपील करने आया हूं कि आप तन मन धन के साथ सहयोग करें। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान।